बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। क्लास फोर, टुडे वी विल रीड यूनिट नंबर थ्री, लेक्चर नंबर थ्री। ठीक है बेटा, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट टू लेक्चर्स के अंदर हमने यूनिट नंबर फोर की रीडिंग की थी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 17। और ये हमने लास्ट दो टॉपिक पढ़ने हैं इस यूनिट के, और उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है वाटर इस लेक्चर का, और दूसरा टॉपिक है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज ए बी और हमने डी करनी है। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वाटर, वाटर क्या होता है बेटा? पानी। ठीक है, ऑल द सिस्टम्स इन योर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी निज़ाम हैं वो सारे के सारे किसके वजह से, यानी कि उसको काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो पानी है। ठीक है, पानी की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के अंदर तमाम निज़ाम को काम करने के लिए। ठीक है, वो हमारे निज़ाम कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या है बेटा कि जो इफ़ यू वांट योर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, यू नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश एंड प्योर वाटर डेली। अगर आप एफिशिएंटली और प्रॉपरली, यानी कि मुनासिब तौर पर अपने काम अंजाम देना चाहते हैं, सर अंजाम देना चाहते हैं अपने जिस्म के काम, तो इसके लिए आपको ज़रूरत होती है प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि साफ़ सुथरा और फ्रेश ताज़ा पानी पीने की, और प्योर वाटर डेली, यानी कि साफ़ सुथरा पानी की, रोज़ाना साफ़ सुथरा पानी पीने की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या है, वाटर कैरीज ऑल द मटेरियल्स टू द सेल्स, यानी कि जो पानी होता है सारे का सारा मवाद जो होता है ये कैरी करके जाता है, लेके जाता है आपके जिस्म के तमाम खुलियों में। सेल्स क्या होते हैं बेटा? खुली होते हैं आपके जिस्म के अंदर। उसके बाद क्या है, बेसिकली हमारी जो बॉडी है ये सारी सेल्स से मिल के बनी हुई है। सेल क्या होता है? एक खुलिया होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं, और ये बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिलके ऑर्गन और इससे फर्दर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमने यूनिट नंबर वन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो सेल बेसिकली क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ होता है। उसके बाद क्या है बेटा, यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, यानी कि आपको रोज़ाना 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। ठीक है, ये येलो बॉक्स दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या है, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको अगर हम कर लेते हैं तो हमें हमारा जो दिन होता है एक अच्छा दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यानी कि हमारे दिन का जो सबसे अच्छा और अहम खाना है वो क्या है, ब्रेकफास्ट है। ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, अगर आप सेहतमंद नाश्ता करते हैं, इज़ द बेस्ट वे, अच्छा तरीका है टू स्टार्ट ऑफ योर डे, आपके दिन को स्टार्ट करने का। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, हमारा दूसरा टॉपिक है एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि वर्जिश जो है वो ज़रूरी है, अहम है। उसके बाद क्या है, अलॉन्ग विद अ हेल्दी डाइट, यानी कि अच्छी और सेहतमंद खुराक के साथ साथ क्या है बेटा, यू आल्सो नीड टू फिज़िकली एक्टिव, आपको जिस्मानी तौर पर चुस्त भी रहना चाहिए। एक्टिव क्या होता है? चुस्त फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर। ठीक है, यानी कि जिस्मानी तौर पर चुस्त रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद है एक्सरसाइज मेक्स यू फील गुड, एक्सरसाइज हमें अच्छा फील करवाती है, महसूस करवाती है। इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे खून की गर्दिश को बढ़ाती है, एंड कीप्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग, और हमारी हड्डियों को और मसल्स को मजबूत बनाती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सो ईट राइट, हमें अच्छी खुराक खानी चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, बी एक्टिव, एक्टिव रहना चाहिए, चुस्त रहना चाहिए, एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बेटा सिर्फ हमारी अच्छी खुराक ही नहीं ज़रूरी, बल्कि हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसलिए रात के खाने के बाद हमें वॉक करनी चाहिए, और सुबह उठने के बाद भी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हमारा जो जिस्म है वो फिज़िकली एक्टिव रहे, और जो हमारे ब्रेन है वो भी मेंटली तौर पे भी हम लोग एक्टिव रहें। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर एंड हुआ। इसके लास्ट दो टॉपिक रहते थे जो कि हमने अभी कर लिए हैं। एक्सरसाइज के लिए आप अपनी कॉपी
सॉरी अपनी पेंसिल ब्रेजर शॉर्पनर आप अपने हाथ में रखेंगे, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप वो यूज़ करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मैच इस डेफिनेशन इन अ कॉलम, ये एक एक डेफिनेशन दी हुई है, इसको हमने ये जो कॉलम ए के अंदर दी हुई है, ठीक है, इसको हमने कॉलम बी वाले वर्ड्स के साथ मैच करना है, यानी कि जो और जो नीचे स्पेसिस दी हुई हैं उनके अंदर हमने वो इसके आंसर्स लिखने हैं कि पहले का कौन सा आंसर है, दूसरे का कौन सा आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक आप रेडी होंगे, हम ये एक्सरसाइज करेंगे, आप अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें और जैसे ही मैं आपको सही आंसर बताऊंगी आपने साथ अपनी बुक पे लिख लेना है। ओके बेटा, तो सबसे पहले हमारे जो है इट मेक्स योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग, यानी कि ये आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। क्या चीज़ आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, ये हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, कैल्शियम पढ़ा था, और कैल्शियम क्या है, आपके मिल्क ग्रुप से हासिल होता है, यानी कि दूध हमें कैल्शियम देता है, और जो कैल्शियम है ये एक मिनरल है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। तो पहले का आंसर बेटा क्या आएगा, आपका कैल्शियम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आप क्या लिख लेंगे, इस स्पेस के अंदर आपने डी लिख देना है, कैल्शियम कहाँ पर है, डी पे है, और इधर आपने कैल्शियम लाइन लगा के कैल्शियम लिख देना है, और इधर आपने डी लिख देना। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स योर बॉडी टू रिपेयर एंड ब्लड बिल्ड अप द टिश्यूज एंड मसल्स। बेटा मतलब क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो रिपेयर यानी कि मरम्मत और बिल्डअप आपके तमीर करती है या बनाती है टिश्यूज़ और मसल्स, यानी कि मसल्स और टिश्यू को जो चीज़ बनाती है वो क्या है। बेटा वो आपने प्रोटीनेशियस बॉडी यानी कि मीट वाले में पढ़ा था कि मीट क्या करता है, हमें प्रोटीन्स देता है, और जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे टिश्यूज़ और मसल्स को मजबूत बनाती हैं और तामीर करती हैं, मरम्मत करती हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ गया, प्रोटीन्स, और यहाँ पे आप प्रोटीन लिख लें और यहाँ पे आप सी लिख लें। आई होप के आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद बेटा क्या है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द क्विक एनर्जी फॉर योर बॉडी, यानी कि कौन सा जो कौन सी इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि तवानाई पैदा करने का सबसे तेज़ ज़रिया है, सोर्स है, क्विक सोर्स है। तो बेटा ये हमने ग्रेन्स के अंदर पढ़ा था, ग्रेन्स क्या करते थे, हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते थे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स थे ये क्या थे, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी थे। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड ब्लैंक में आपने ए लिख देना है। ठीक है, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। आगे हम चौथी मैचिंग कॉलम करते हैं, दिस हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप यू हेल्दी, यानी कि कौन सी चीज़ है जो आपको आपके जिस्म को बीमारियों के खिलाफ लड़ने और सेहतमंद रहने में मदद करती है, कौन सी चीज़ है बेटा, वो है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं, ये आपको बीमारियों के खिलाफ लड़ने और आपके जिस्म को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं, और ये यहाँ पे आप बी लिख लें, और यहाँ पे आप लास्ट में ये विटामिन्स लिख लें। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हुई। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ बेटा, नेक्स्ट पेज पर हमारी एक्सरसाइज बी है जो कि हैं हमारे MCQs। ठीक है बेटा, तो MCQs हैं बेटा, आपने क्या करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर, आपने क्या करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ फाइबर, वो कह रहा है इनमें से कौन सा है जो कि फाइबर्स का सोर्स है। ठीक है, फाइबर बेटा एग क्या था, ये भी हमें प्रोटीन्स से मिलता था, यानी कि हमने मीट वाले में पढ़ा था ये प्रोटीन्स देता है। मिल्क क्या है, ये भी प्रोटीनेशियस होता है यानी कि कैल्शियम देता है, ये हमने मिल्क ग्रुप में पढ़ा था। और उसके बाद क्या है, वीट, वीट है तो फाइबर कौन देता है, वीट देते हैं। ठीक है, तो आप वीट आपका एग्जैक्ट आंसर यानी कि सही आंसर है, इसके ऊपर आप टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स बिलोंग टू दी ग्रेन्स ग्रुप, यानी कि कौन सा ग्रुप है, ग्रेन ग्रुप है जो कि कौन सी फूड है जो कि ग्रेन ग्रुप में से है। ठीक है, तो फिश क्या है बेटा, मीट में से है, चिकन भी मीट में से है, तो ये क्या है, ब्रेड क्या होती है, ये हमारे ग्रेन्स से हासिल होती है, यानी कि वीट आती है ग्रेन्स के अंदर, राइस आते हैं, कॉर्न आती है, तो बेटा ये ब्रेड किस चीज़ से बनती है, वीट से बनती है, तो वीट क्या है, ग्रेन से बिलोंग करती है, तो हमारा सही आंसर क्या है, ब्रेड, तो इसके ऊपर आप टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, यानी कि तेज़ एनर्जी का सोर्स कौन सा है बेटा, ये हमने पीछे मैचिंग कॉलम में भी किया है, प्रोटीन्स नहीं है, ये तो हमारे मसल्स और टिश्यूज बनाती हैं, मिनरल्स ये हमें हेल्दी और स्ट्रांग बनाती हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद बेटा यू शुड टेक वेरी लिटल फ्रॉम दिस फूड, हमने जो पायरामिड
पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो फैट्स और स्वीट्स होती हैं इनको क्या करना है हमने बहुत थोड़ी मिकदार में यूज़ करना है क्योंकि ये हमें मोटा कर देती हैं। और मिल्क जो होता है ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करना चाहिए। और ग्रेन्स क्या हैं, ग्रेन्स जो होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इनका तो हमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे थोड़ा इस्तेमाल फैट्स एंड स्वीट्स का करना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या है, फैट्स एंड स्वीट्स। उसके बाद बेटा ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मिल्क ग्रुप एक्सेप्ट, वो कहता है दूध के ग्रुप की सारी एग्जाम्पल है किसके अलावा, चीज़ बेटा पनीर है ये भी दूध के ग्रुप में है, योगर्ट ये भी दूध से बनती है, और एग जो है ये हमारा दूध वाले ग्रुप में नहीं है, ये हमारे मीट ग्रुप में था। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, एग है। उसके बाद बेटा ये आपकी एक्सरसाइज है सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आप सबके पास क्लास 4 के पास सिलेबस अवेलेबल है, तो आप लोगों ने ये इनका होमवर्क भी करना है और इनको लर्न भी करना है। तो आपने क्या करना है, इनको सिलेबस के ऊपर से याद करना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 19 के ऊपर आपकी एक एक्टिविटी नंबर डी है। इसमें क्या है, ये फॉलोइंग आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, सर्च फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्क्वेयर्स ब्लो, यानी कि ये स्क्वेयर्स नीचे दिया हुआ है, स्क्वेयर के अंदर आपने ये वाले मुंतज़िल अल्फाज को ढूंढना है। सबसे पहले मिल्क है, फाइबर है, कैल्शियम है, मिनरल है, फ्रूट है, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी है, न्यूट्रिएंट है, ग्रेन, वाटर, प्रोटीन, वाइटमिन्स। तो आपने इसके अंदर से ये सारे वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे ये सबसे पहले ये वाला इस तरह से ये लंबी लाइन है, ये किसकी है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कौन सा वर्ड है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद ये कौन सा वर्ड है बेटा, ये फाइबर है, ठीक है। ये यहाँ तक क्या है, ये फाइबर है। उसके बाद क्या है बेटा, ये मिल्क, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है ये मिल्क है, उसके बाद ये हमारा फाइबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे ये फ्रूट भी है, ठीक है, ये फ्रूट है। उसके बाद ये हमारा ग्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा न्यूट्रिएंट है, उसके बाद ये विटामिन है, ठीक है। उसके बाद ये वाटर है, सही है। इस तरह से ये आपने सारे वर्ड्स ढूंढ लेने हैं, ये एक्सरसाइज भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है यानी कि कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कंटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।